जब हम ब्राइन बनाते हैं, मतलब जब हम सिंपल कॉमन सॉल्ट का एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो वो जब ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है, वो हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस देता है. ठीक है. सो द रिएक्शन विल बी लाइक NaCl प्लस H2O. जब हम इन दोनों को एक सोल्यूशन बनाएंगे विच इज़ कॉल्ड ब्राइन, और इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे, सो दिस विल गिव अस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. एंड यू हैव टू नोट इट के जो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे जो है वो मतलब कलेक्ट होगा, और जो हाइड्रोजन गैस है दैट विल बी कलेक्टेड एट द कैथोड एंड. ठीक है. सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लोरीन एनोड पे कलेक्ट होगा एंड हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे कलेक्ट होगा. ठीक है. सो और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के पास ही कलेक्ट होगा, मतलब नियर जहाँ पे कैथोड प्लेस किया होगा वहीं पे जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है. सो नाउ द यूजेस ऑफ दिस कॉस्टिक सोडा जो है, या यूजेस ऑफ दिस NaOH जो बनता है, उसकी क्या यूजेस हैं. 56% of its use is in industrial use. तो जो 56% जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. उसमें से 25% जो है वो पेपर इंडस्ट्री में पेपर को ब्लीच करने के काम में आता है, मतलब उसको साफ़ करने के काम में आता है, क्योंकि आपको पता है ये पेपर जो है हमारे ट्रीज़ के पल्प से बनता है, तो ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, तो इसको साफ़ करने के लिए जो है इसी NaOH का यूज़ किया जाता है. सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, एसिड गैसेस लाइक H2S हो गया, CO2 हो गया, टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, टू रिमूव सल्फर, उसमें से सल्फर को ख़त्म करने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ सोप में इसका यूज़ किया जाता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ इट. एंड जो हमारा एलमिना है उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड जो है. सो ब्लीचिंग और डाइंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स में इसका इस्तेमाल होता है. ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो NaOH है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, ब्लीचिंग और डाइंग में भी उसका इस्तेमाल बहुत होता है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक तो ये कॉमन सॉल्ट का पढ़ा, और सॉल्ट के बारे में देखा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखा हमने, और हमने देखा कि ये कॉस्टिक सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसके क्या क्या यूजेस हैं. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही, कल हम इसमें आगे देखेंगे, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देखेंगे, वॉशिंग सोडा देखेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ.